20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत दोपहिया वाहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था, जिसके चलते 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भारत ने बहुत से दोपहिया वाहनों को मार्केट में लॉन्च किया। उन्हीं में से एक बाइक थी टीवीएस विक्टर। यह बाइक ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, इसलिए इससे भारतीय आम लोगों का एक अलग ही लगाव था। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर चलते हैं टीवीएस विक्टर के सफ़र पर और जानते हैं इसके शानदार इतिहास को। विक्टर बाइक टीवीएस कंपनी का पहला स्वदेशी उत्पाद था, जिसे कंपनी ने साल 2001 में लॉन्च किया था, जो कि 110 सीसी के इंजन के साथ आया था। इसमें स्टाइलिश हेडलाइट और इंडिकेटर्स का उपयोग किया गया था, जो कि बाद में इसकी पहचान बने। साल 2004 के बाद से मूल 110 सीसी विक्टर में सामान्य कॉस्मेटिक अपग्रेड्स के अलावा टीवीएस ने विक्टर जीएलएक्स 125 नामक एक और वेरिएंट को लॉन्च किया था। इसमें 125 सीसी के बड़े इंजन के अलावा बाइक की स्टाइलिंग पूरी तरह से नए बॉडीवर्क के साथ अलग थी। टीवीएस ने विक्टर जीएलएक्स 125 को बिग बाइक के रूप में बढ़ावा देने की कोशिश की, जिसके चलते टीवीएस ने लॉन्च होने पर विक्टर ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे पैसे और संसाधन लगाए थे। टीवीएस ने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रोजेक्ट किया था और विक्टर को बढ़ावा देने के लिए यादगार मोर स्माइल पर आवर अभियान शुरू किया था। विक्टर के लिए आक्रामक प्रमोशन विक्टर जीएलएक्स 125 के साथ भी जारी था। इसका नतीजा यह था कि विक्टर लगभग सभी शहरों और कस्बों में अच्छी मौजूदगी वाला एक जाना माना मॉडल था, जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया। टीवीएस विक्टर को आधुनिक और स्टाइलिश तरीके से डिज़ाइन किया गया था, जिसके कारण शुरुआती समय में यह बाइक भारतीय युवाओं के आकर्षण का केंद्र बन गई थी। टीवीएस विक्टर में आरामदायक सीट का उपयोग किया गया था, जिसके कारण लंबे सफ़र पर भी थकान का एहसास नहीं होता था। विक्टर में रियर शॉकर्स और सस्पेंशन का उपयोग बेहतरीन तरीके से किया गया था, जिसके कारण गाँव की उबड़ खाबड़ सड़कों पर भी यह बाइक मदमस्त होकर चला करती थी। लेकिन बदलते समय के बाद इसमें खामियां आने लगी, जो कि इस बाइक की छवि के लिए घातक साबित हुई। हालांकि कंपनी को अपनी विक्टर सीरीज से बहुत आशा थी, इसलिए कंपनी ने विक्टर जीएलएक्स 125 और विक्टर एज 125 को भी मार्केट में लॉन्च किया, जो कि डिस्क ब्रेक के साथ आई थी। लेकिन बाइक में कुछ कमियाँ ऐसी थी जो कि ग्राहकों पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ गई, जिसके चलते इसकी बिक्री में अचानक कमी आ गई और कंपनी को इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी और कुछ समय के ब्रेक के बाद कंपनी ने इसका नया और स्टाइलिश एक और मॉडल लॉन्च किया, जो कि वर्तमान में मार्केट में उपलब्ध है। दोस्तों, टीवीएस विक्टर लोगों के सफ़र में उनकी मजबूत साथी बनी, जिसके चलते यह बाइक लोगों के दिलों में बस गई। तो दोस्तों, यह था टीवीएस विक्टर का शानदार इतिहास। दोस्तों, अगर आपने भी टीवीएस विक्टर की सवारी का आनंद लिया है तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके।